सब्सिडी जोड़ देते हैं जो लॉस होता है उसे माइनस कर दो, इसके बाद जो निकलता है राष्ट्रीय आय। जीडीपी में सब्सिडी जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा। जस्ट जस्ट बेट मतलब नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? वो सब सकल घरेलू उत्पाद है प्रति व्यक्ति आय। इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
अब तक जो रोजगार चाहता सबको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया। पहले प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्स क्या है, सीमित है, और सीमित रिसोर्स में हमको क्या करना है, मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है। आउटपुट का मतलब क्या है, उत्पादन। आउटपुट क्या है, उत्पादन। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए। किसी देश के सामने पहली समस्या क्या है, उत्पादन। ठीक है, आपके पास मान लीजिए किसी भी देश के पास, इंडिया के पास 100 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, 100 करोड़। और 100 करोड़ में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी ध्यान देना है, और सर्विस सेक्टर पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर इकोनॉमी को अगर ब्रॉड करने का कैटेगराइज करें तो तीन प्रकार के मिलेंगे ना, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा सर्विस सेक्टर। तो जो हमारे पास ही है, तो अगर 100 करोड़ है, पूरा 100 करोड़ अगर हम एग्रीकल्चर पे स्पेंड करते हैं, तो बाकी सेक्टर के लिए क्या होगा, रिसोर्स की कमी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम उतना लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, रक्षा क्षेत्र में हम लोग उतना मजबूत नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसरो के हो या सीमा पे जितने भी हम लोग वेपन्स बनाते हैं, ज्यादातर क्या है अपने देश में ही बन रहे हैं, और बहुत सारे अभी भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, किसकी कमी से है, कि हमारे पास रिसोर्स की कमी। ठीक है, जिन देशों के पास रिसोर्स ज्यादा है या वो पहले से डेवलप हो चुके हैं, वहां पे ये कमी समस्या नहीं आ रही। तो पहले क्या है, अगर रिसोर्स बढ़ जाए तो क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अगर इसको एक डायग्राम से देखिए, इधर मान लीजिए वस्तुओं को अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, एक कैपिटल गुड्स, दूसरा कंज्यूमर गुड्स, दो ही प्रकार की वस्तुएं है ना, एक पूंजीगत सामान और एक उपभोक्ता सामान, जिसमें कैपिटल गुड्स करते हैं, पूंजीगत वस्तु इधर कंज्यूमर गुड्स। हमारे पास जो भी इनकम है, जो भी रिसोर्स है, ठीक है, मान लीजिए कैपिटल का हम 150 के लिए प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। ठीक है, जो भी संसाधन है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500, ये आप लोग मान सकते हो 150 यूनिट उसका हम प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। दूसरा क्या है, कंज्यूमर गुड की मान लीजिए हम 100 यूनिट किए। ठीक है, हमारे पास कितना है, 100 करोड़ रुपया है। ठीक है, और उस 100 करोड़ में हमने पूरा खर्चा कर दिया कैपिटल गुड्स में, तो हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, 150। और सारा पैसा अगर कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा कर दें, तब कितनी यूनिट्स होंगी कंज्यूमर गुड्स की, 100 यूनिट। समझ में आ रही है, पर नहीं आ रही, पर किसको नहीं समझ में आ रही। तो कोई भी देश ना तो यहाँ पे उत्पादन करना चाहेगा, ना तो यहाँ पे, है कि नहीं। और इन दोनों के बीच में कहीं भी वो उत्पादन करना प्रभाव करेगा। ठीक है, ये पॉइंट ए भी हो सकता है, पॉइंट बी हो सकता है, पॉइंट सी भी हो सकता है। और इस पर को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उत्पादन संभावना वक्त। ठीक है, यहाँ पे भी उत्पादन कर सकता है, ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी। हमारे रिसोर्स 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाए तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा, 100 से अगर 200
हो जाएगा, हो सकता है ये 300 हो जाए और ये 200, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स बढ़ गए हैं। सारी समस्या कहाँ पे है? रिसोर्स की बेसिक प्रॉब्लम है, बढ़ने से समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? पहली समस्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए उत्पादन, कैसे कम किया जाए, कम लागत के उत्पादन हो तो ठीक है, ठीक है। ये प्रॉब्लम किसकी है? ये माइक्रो डेयरी की प्रॉब्लम है। जो फर्क है माइक्रो इकोनॉमिक जो पढ़े हैं वो बताता है कि हर कंपनी क्या चाहती है, कम से कम लागत को, ठीक है, और प्रॉफिट क्या है, ज्यादा से ज्यादा। एक ये इंडिविजुअल फर्म की हो सकती है, इंडस्ट्री की हो सकता है, लेकिन एक देश के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। पहले है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाएगा, कैसे करें, डिमांड से नहीं उत्पादन कैसे होगा, मशीनें उत्पादन करेंगी कि श्रम का यूज किया जाएगा, मैन पावर कैसे किया जाए। ये हर ये प्रॉब्लम क्या है, हर देश की अपनी प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। भारत की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे यहाँ ज्यादातर लोग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, ओवर पॉपुलेशन है, और ओवर पॉपुलेशन में ज्यादातर लोग क्या है, अनस्किल्ड है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ बेरोजगार है। जो स्किल्ड है वो भी तो बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, उनको अपनी जो योग्यता के अनुसार जॉब नहीं मिल पा रही, वो क्या है, बेरोजगार है ना, शिक्षित बेरोजगारी है कि नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कैसे उत्पादन किया जाए, तो इसका आंसर है कि जो जो विकसित देश है जहाँ पे कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। किसका? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसको हिंदी क्या बोलेंगे, कैपिटल पूंजी है। विकसित देशों में क्या है, यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के देश हैं, यूएसए हैं, जितने भी डेवलप नेशन है वहां पे क्या है प्रॉब्लम, पॉपुलेशन वहां पे क्या है कम है, कैपिटल वहां पे ज्यादा है, तो उनके लिए ये है कि उनको कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और जैसे भारत जैसे देश है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। श्रम ग्रहण ठीक है। अब दो प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया, पहला क्या था व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा क्या है, तीसरी प्रॉब्लम क्या है व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए किया जाए, ये बड़ी कठिन समस्या है। इसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर के लिए किया जाए, गरीब के लिए किया जाए, किसान के लिए किया जाए कि जो इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं उनके लिए किया जाए,
ना जो खेत में काम कर रहे हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये इसके लिए किया जाए बताइए, इसके लिए क्या? आम जनता के लिए, शरीर के लिए। और कोई बताए इसके लिए? आप हृदय के लिए उत्पादन किसके लिए बताओ तुम लोग? सर ज्यादातर जो एक मिनट बताओ किसके लिए उत्पादन? देश के सभी लोगों के लिए, सबके लिए उत्पादन किया जाएगा। ये तो सब ये तो काम है सबके लिए किया जाएगा। किसके लिए जो उत्पादन किया जाता है, सुनिए तो आप, उत्पादन किया जाता है फ्री में किया जाता है, जिसके लिए फ्री में होता उत्पादन होता है उसका क्या है प्राइस? तुम लोग भी पढ़ा होगा कि जो इकोनॉमी है या जो आर्डर है, वर्ल्ड आर्डर है, दो प्रकार का है, एक पूंजीवादी व्यवस्था है, एक समाजवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? निजी लोगों का स्वामित्व ज्यादा होता है। ये चीज क्या होती है? हाँ चलो प्रॉफिट मैनेजमेंट से, और मेन चीज क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट तो सब कहते ही, वहां पे क्या है वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलो या मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है कि नहीं? मार्केट में क्या होता है? ए तुम बात करो, मार्केट में क्या होता है? प्राइस है। मार्केट में क्या है? हर वस्तु की प्राइस है कि नहीं? कोई सामान है जो फ्री में आपको मिल जाए, है कोई? मार्केट में क्या है? हर एक वस्तु की प्राइस है, और जो प्राइस चुकाएगा उसको वो वस्तु उपभोग करने के लिए मिले, और जो वो वस्तु की प्राइस नहीं चुका पाएगा वो उससे वंचित रह जाएगा, रहेगा नहीं रहेगा? मार्केट में क्या है? अभी ये आप लोग ये मैंने बहुत लकी है कि नहीं, ये जो फ्री में आप लोग मुख्यमंत्री जी का जो योजना हृदय योजना है, आप लोग इसको आप लोग पढ़ रहे हैं, तो योगी जी को आप लोग बहुत धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है? ये वो जो ऐसा चला रहे हैं कार्यक्रम, आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है? जो हर सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पे मिल रहे हैं, जगत के काला टीचर एक्सपर्ट है जगत में, पोल्ट्री के अलग हैं, हिस्ट्री के अलग टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के अलग हैं। ये जो सुविधा एक प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, ये कहीं भी जो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग होगी दिल्ली में वहां भी नहीं मिलेगी, ठीक है? अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप लोग इसको कितना फायदा उठा पाते। आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये, तो इसकी आप लोग इसके भी समझ नहीं, ठीक है? जब समझ तब आती है जब जाके दिल्ली में 1 लाख 1.5-2 लाख 5 लाख रुपए लोग जमा करते हैं, ठीक है? और उसके बाद भी सफलता नहीं है, तब उसकी कीमत समझ में आती है। जो प्लेटफॉर्म योगी जी ने दिया हमारे मंत्री जी ने, उसका मतलब आप लोगों को साधुवाद करना चाहिए।
पहला इसके पहले भी गवर्नमेंट थी ठीक, किसी ने नहीं सोचा, योगी जी भी सोचा। तो ये इसलिए कि यहाँ के भी लोग पढ़ते ना, यूपी के लोग कंपटीशन में जाओगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, तो उससे क्या होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा कि हमारे प्रदेश में इतने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, आपको रोजगार मिलेगा, इससे प्रदेश का नाम होगा। ये मतलब इनके भी पीछे नहीं, ये अवसर है आप लोगों को। तो अवसर का किसी भी दूसरे स्टेट में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये जो व्यवस्था है इसको मतलब आप लोग मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, सोसाइटी की क्लास करती होगी ना, रीजनिंग के भी, करेंट अफेयर की, हर चीज आपको मिल रहा है। मेहनत सिर्फ आपके हाथ में मेहनत है, ठीक है, मेहनत कर लोगे तो आप लोग बढ़ जाएंगे। हम इसके आ रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां पे क्या है प्राइस, मार्केट में क्या है प्राइस, और जो प्राइस को पेमेंट करेगा वो उस वस्तु का कंजम्पशन करेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो उससे वंचित रह जाएगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, वहां पे सरकार प्राइस निर्धारित करती है, वहां पे प्राइस कौन निर्धारित करता है, सरकार। और सरकार का मैंने पहले बताया क्या उद्देश्य होता है, सबका सोशल वेलफेयर करना, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। ठीक है, सरकार का क्या उद्देश्य है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो वहां पे सरकार का ये रहता मोटिव है, ये उद्देश्य है कि जो प्राइस हर वस्तु की इतनी रखी जाए कि गरीब से गरीब भी उसको खरीद सके। और जबकि निजी क्षेत्र में क्या है कि वहां पे मार्केट में सब कुछ है, वहां पे मार्केट में क्या है, कंपटीशन है। कंपटीशन जहां पे होगा वहां पे क्या होगा, प्राइस कम होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी। मार्केट में यही है ना, एक ही ब्रांड के कितने मोबाइल बिक रहे हैं, एक ही ब्रांड मतलब एक ही मोबाइल कितने ब्रांड के बिक रहे हैं। ठीक है, और लोग कौन खरीद रहे हैं, जिसकी क्वालिटी ज्यादा और प्राइस कम, मार्केट यही है ना। तो ये हर देश की अपनी समस्या है। कुछ देश इंडिया में मिक्स इकोनॉमी है, इंडिया में कैसी है मिक्स इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या है, यहाँ कैपिटलिस्ट का भी अंश है और सोशलिस्ट का भी अंश है। ज्यादातर चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, मार्केट में, लेकिन कुछ प्रोग्राम गवर्नमेंट जो पोलियो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए गवर्नमेंट चला रही है कि सबको लाभ मिले। आप लोगों को अगर ये योजना का लाभ मिला है किस लिए, क्योंकि सरकार यहाँ पे प्राइस न्यूनतम कर दी है, जीरो कर दी है, आप लोग उसका लाभ ले सकते। इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है पूछेगा तो इकोनॉमी विस्तृत अर्थव्यवस्था है। अब हम नेशनल इनकम के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को आनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, अब नेशनल इनकम के बारे में आप कौन बता रहा था, नेशनल विकास क्या बता रहे थे, नहीं जो बता रहे थे नेशनल इनकम अलग होती है, जीडीपी अलग होती है। देखो आ रहा हो तो अभी बताओ, बना मालूम। ठीक है, एक देश के अंदर एक वर्ष के अंदर तो एक देश के अंदर मतलब वर्ष के अंत के जो अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का जो अंतिम उत्पाद जो
जो भी चाहे विदेशी हो जाए
भारतीय भारतीय इसमें तो उत्पादन करेगा जीडीपी में हो जाएगा और जीएनपी जो है जीडीपी में क्या होता है घरेलू सीमा की बात की जाएगी ठीक है जीडीपी में बात क्या की जाएगी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पाद। अब घरेलू सीमा में क्या क्या आता है क्या नाम तुम्हारा देखो पढ़ रहा होता है जो भी पढ़िए मेहनत कीजिए घरेलू सीमा में क्या है पहली चीज तो आ जाएगी देश का भूगोल देश की भौगोलिक सीमा देश की भौगोलिक सीमा और क्या आएगा घरेलू सीमा में घरेलू क्षेत्र में घरेलू क्या क्या आएगा और क्या आएगा दूतावास दूतावास आ जाए विदेशों में स्थित दूतावास ठीक है और क्या आ जाएगा वायुयान एवं यहाँ से कोई जलयान गया वायुयान गया तो वो जो इनकम प्रोड्यूस करेगा वो किसका पार्ट है देश की घरेलू सीमा ठीक और क्या आएगा इसमें क्या जल सीमा ठीक जली सीमा देश की देश की जली सीमा में क्या कितना एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स गुड तो बताया था ना मैंने एक बार क्लास में और क्या आएगा इसमें ये आईएस में आया है ठीक है घरेलू सीमा में क्या क्या चीज है घरेलू क्षेत्र में क्या क्या शामिल है और इसमें क्या आएगा इसमें आएगा कि आर्थिक क्रियाकलाप का वह केंद्र बिंदु जो देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित हो विदेशों में कार्य कर रहे हैं लेकिन उसकी जो टर्नओवर कहाँ हो रहा है देश की सीमा के अंतर्गत ये पांच चीजें हैं जलयान वही तो है जहाँ पे वो एरिया रहेगा उसमें रहेगा वो उसकी घरेलू सीमा के क्षेत्र के अंतर्गत आएगा जली सीमा भौगोलिक सीमा अलग अलग है भूगोल में क्या है तुम्हारा जो जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं लैंड वाला सीमा अलग होगी जली सीमा 200 नॉटिकल माइल से एरिया है जल की सीमा हर देश की है ठीक है वहां तक ही कोई देश उसमें उसका वो आधिपत्य है उसके बाद वहां उसका आधिपत्य खत्म हो जाता है ठीक है लिख लीजिए इसमें सबसे पहले क्या है ये लिख लीजिए लिखा है लास्ट वाला सर ये विदेशी दूतावास
या विदेशी भारत के जो दूतावास है विदेशों में या विदेशी जो दूतावास अपने देश में आएंगे नहीं तो वो उस देश की भौगोलिक सीमा में आ जाएगा। तो भारत का अगर दूतावास वहाँ अमेरिका में तो भारत का वो वहाँ पे आधिपत्य रहेगा। ठीक है क्या भारत का दूसरी कंट्री में है तो भारत की जीडीपी में नहीं आएगा? जीडीपी में ही आएगा। क्या लिखा है घरेलू क्षेत्र में ये चीजें शामिल हैं। जीडीपी में तो ये वहां दूसरा में सब जो एक्सपेंसेस होंगे वो सब एक्सपेंसेस नहीं पूरा एरिया जो वहां का आएगा। ठीक है एक्सपेंसेस ये नहीं आएंगे ये सब टेक्निकल चीजें यही पूछी जाएगी पढ़ लीजिए। एडमिशन कहाँ गलत तो एडमिशन क्या है एडमिशन घरेलू क्षेत्र में क्या क्या आएगा तो यही लिखा है। यहाँ पे है अभी लोगों को याद दिलाना एक ध्यान से सुनिएगा चीन में क्या है साम्यवादी सरकार है। ठीक है वहां सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है 1990 के आसपास वहां पे लोकतंत्र के लिए आवाज उठी। ठीक है और बहुत बड़ी संख्या में नौजवान लोगों ने वहां की बड़ी संख्या में उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार ने उन लोगों की आवाज को दबा दिया आर्मी लगा दी। लेकिन कुछ लोग जो थे वो वहां चले गए अमेरिकी दूतावास उसमें 30 वहां के जो नागरिक थे वो वहां चले गए घुस गए अमेरिकी दूतावास। अब अमेरिकी दूतावास में चले गए तब चाइना की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम जाके वहां से उनको निकाल के लाए। क्यों क्योंकि वो अगर उस पे आक्रमण करते तो ये माना जाएगा कि वो अमेरिका पे आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है फिर अमेरिका उसका तुरंत जवाब दे। ठीक है इसलिए जो दूतावास है अगर आप चले जाएंगे तो आपको वहां पे कोई टच नहीं करेगा वो लोग सेफ थे बाद में काफी साल बाद 30 साल बाद। समझ में आएगा नोट कर लीजिए हो गया पांचवा लिख लीजिए आर्थिक उत्पादन में संलग्न सभी विदेशी व्यक्ति आर्थिक उत्पादन में संलग्न सभी विदेशी व्यक्ति एवं कंपनियां जिनका मुख्य आर्थिक लगाव संबंधित देश के साथ हो चाहे वह घरेलू क्षेत्र के अंदर हो या बाहर क्या लिखाया है इसमें है कि आर्थिक उत्पादन में संलग्न सभी विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनियां ठीक है इनका मुख्य आर्थिक लगाव संबंधित देश विदेशी अगर भारत यहाँ पे विदेशी कंपनी भारत में आती है विदेशी लोग आ रहे हैं वो नई कंपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी वो किसका पार्ट है भारत की जीडीपी का। ठीक है इसमें तो लोगों को कोई संशय नहीं होना चाहिए। अतः राष्ट्रीय आय की गणना के उद्देश्य क्या है हम इस पे बात में आएंगे। पहले हम जो राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं इसके उद्देश्य जान लें राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती देश का उत्पादन जानने के लिए कितनी पूंजी प्राप्त हुई क्या
जन दल के चेंज करोगी तो समझ में आएगा सॉरी से क्या जनता निकल जाएगी समझ में नहीं आएगा तो क्या हमारे आने यहाँ ना आने का क्या मतलब कोई मतलब है पूरे समय क्या मतलब समय पर बात कर रहे यहाँ आने के फ्री का मतलब ये नहीं है तुम्हारा समय भी तो वेस्ट हो रहा है समय नहीं वेस्ट हो रहा है समय की कीमत इससे ज्यादा है पैसे पैसे की तुलना में समय की वैल्यू क्या है ज्यादा है अब वो पढ़ना चाह रहे हो कि उसको डिस्टर्ब कर रहे हो बताइए राष्ट्रीय आय की गणना के क्या उद्देश्य बोलो सर्विस में अपनी स्थिति जाननी सर्विस में अपनी स्थिति जाननी ठीक है नेशनल मजदूरी के लिए राष्ट्रीय मजदूरी के लिए चलो ठीक है और राष्ट्रीय से वेतन का कैसे क्या जीडीपी के आंकड़े हर क्वार्टरली आते हैं हर तिमाही आते हैं ना कि जीडीपी बढ़ रही घट रही उसका क्या मतलब है वो ग्रोथ के बारे में पता चलता है किसके बारे में ग्रोथ के बारे में तो पहला उद्देश्य क्या है कि हमको देश के आर्थिक विकास के बारे में या आर्थिक ग्रोथ के बारे में समृद्धि के बारे में पता चलता है पहला उद्देश्य और किसके लिए गणना करते हैं राष्ट्रीय आय की हम देश विकसित है तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय से इसका क्या मतलब देश देश को है ना कोई डेवलप है कोई अंडर डेवलप है कोई डेवलपिंग है उससे क्या मतलब है राष्ट्रीय आय भारत डेवलपिंग कंट्री है भारत कैसा देश है विकासशील है भारत की जीडीपी की तुलना अमेरिका से कैसे हो सकती है तुलना कर सकते हो तुलना तो कर ही सकते हो लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आपको अपने अंदर देखना है ना कि बाहर में देखना है राष्ट्रीय आय क्या है देश की राष्ट्रीय आय है ना व्यक्ति की जो आय होती है वो प्राइवेट इनकम होती है पर्सनल इनकम हम एक तो पहले है कि हमको ग्रोथ के बारे में पता चलेगा कि ग्रोथ बढ़ रही है कि घट रही है एक साल पहले हमारी जीडीपी कितनी थी एक साल बाद आज कितनी हो गई ठीक है हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं मैट्रिक्स के पूल के थ्रू कि आने वाले 50 साल बाद देश की जीडीपी कितनी होगी ठीक है उसमें एरर आएगा कुछ मैट्रिक्स इकोनॉमिक पढ़ने का यही फायदा है कि आप फ्यूचर फार पास्ट कर सकते हो फ्यूचर को बता सकते हो 50 साल बाद या 100 साल बाद क्या होगा ठीक है इधर 5% 10% उसमें इधर की संभावना है बाकी 90% क्या है वो सही होगा हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किस पे देखते हैं 5% पे 5% हम गलत हो सकते हैं ये 90% क्या हो सकता है सही साइंस में यही देखा जाता है वहां 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं दूसरा क्या फिर इसमें इसलिए उद्देश्य है कि इसमें प्राथमिक सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्शियरी जो सर्विस सेक्टर का कितना कितना योगदान है जैसे मैंने एग्रीकल्चर का बताया था कितना परसेंट योगदान 17% है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है
इंडस्ट्रियल का कहा तो सर्विस सेक्टर का है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आपको पता चलेगा ना कौन सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है, पता चलेगा नहीं चलेगा। तो पहला क्या है ग्रोथ जानने के लिए, दूसरा हर सेक्टर की स्थिति जानने के लिए, तीसरा क्या है कि विभिन्न समय अवधि में राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में विभिन्न साधन के उत्पादन का कितना योगदान है। ठीक है, उत्पादन राष्ट्रीय आय के उत्पादन कोई भी चीज के उत्पादन में कौन कौन जो साधन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, उनका कितना कितना योगदान है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में हर जो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कितना लेबर का कितना अंश है, योगदान है, कितना शेयर है और कैपिटल का कितना शेयर है। ठीक है, लैंड का कितना शेयर है, ये कहां से पता चलेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन बताए थे ना कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल, इसलिए तुम लोग कहते हैं जो बोलते हैं उसको लिख लिया करो, हर चीज आपको लिखाई नहीं जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जो चीज आपको बोल दिए हैं उसको ये टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी और नहीं पढ़े रहोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। और चौथा है राष्ट्रीय उत्पाद की गणना से जन कल्याण की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, कितना सोशल वेलफेयर हो रहा है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना पीडीएस के लिए जा रहा है, कितना सब्सिडी जा रही है, कितना किस रेवेन्यू आ रहा है, उसको सारी जानकारी हमको इसके थ्रू हो पाएगी कि एक वेलफेयर की पिक्चर भी दिखाई दे। ये चीजें हैं, अब हम इस पे आएंगे। ये चीज तो मैंने जो उद्देश्य लिखाए हैं आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन सारा आईएएस लेवल का है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेंगे कि उद्देश्य क्या है, इसे नहीं पूछेंगे कि जीडीपी इस साल कितने परसेंट बढ़ी। ठीक, आपका कॉन्सेप्ट वहां चेक होगा, ठीक, आपका फैक्ट नहीं चेक होगा, आपको समझ है कि नहीं समझ है। ठीक है, जीडीपी में हम क्या बताए हैं कि एक घरेलू एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है वह उस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। दूसरा क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल जीएनपी। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे देश के कुछ लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और विदेशी लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, पता है कि पता है, विदेश के लोग विदेशों में वीजा बनवाते हैं, जाके वहां के पे काम करते हैं और विदेशी लोग भी यहाँ आके काम करते हैं। तो अगर जो हमारे देश के लोग विदेश में गए हैं और जो वो आय प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, उसको सभी की इनकम का कर लें, ऐड कर लें, जोड़ लें, और जो विदेशी लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उस इनकम में घटा दें, तो हमको नेट इनकम काम अब्रॉड मिलेगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध है, तो अगर हम जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, क्या मिलेगी, जीएनपी, जीएनपी में क्या होगा, जीडीपी प्लस विदेशों से इसको क्या लिखेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय बराबर क्या होगा, देश के लोगों के देश के इस्तेमाल के लिए, तो
माइनस कर देंगे विदेशी नागरिकों, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित अर्जित आय अर्जित आय प्राप्त की जगह कितना अर्जित कर रहे हैं। पीछे दिख रहा है आप लोगों को है? नहीं दिख रहा? देखो अब बोल दे रहे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। और जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या होती, देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशी नागरिकों द्वारा देश में अर्जित आय। तुम लोग ये अच्छा है कि ये YouTube में अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, उसके बारे में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जहाँ आना चाह रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए ये सुविधा शायद वो यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। और हो गया है इसको भी कीजिए, सभी को हो गया है। ये बताइए जो पढ़ाया है अभी तक इसको इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन और पूछिए जब तक ये लोग लिख रहे हैं, कोई किसी का डाउट समझ में आ रहा है, जहां ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या, बाद में इससे नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े, उसको उसकी प्राइस से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है,
तब जाके आपको राष्ट्रीय आय किसमें मिली है, मॉनेटरी टर्म में मिली है। अगर मोर प्राइस को हटा दें तब आपको राष्ट्रीय आय किस फॉर्म में मिलेगी, रियल आउटकम मिलेगा, रियल आउटपुट मिलेगा या नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, दोनों सेम है। पूछ लेगा कि क्वेश्चन दे देगा तो कंफ्यूज आपको मत होइए, ठीक है। वो था चिनाने फीचर है। आगे बढ़े, एक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताइए, इसको हिंदी में लिखेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा? तुम लोग को इधर बैठना था तो थोड़ा सा तुम एकदम इस तरह के सामने कहाँ दिखेगा, दिखेगा ही नहीं दिख रहा होगा। शुद्ध से क्या मतलब है? अभी हमने लिखा था ना नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लिखा था ना, क्यों नहीं पूछा वहां? हर शब्द का मतलब है, ठीक है, कोई शब्द यहाँ छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में क्या है ये तो इंडियन इकोनॉमिक तो समझ में आ जाएगी आप, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ो या माइक्रो इकोनॉमिक पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप बीच में कभी आओगे समझ में नहीं आएगा, तो आपको वहां आना कंपलसरी है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक जो डेटा है आप पढ़ लीजिए कहीं से भी सुन लो, ये जो कोर इकोनॉमिक्स है वहां अगर मिस करोगे तब भी सुन। एक होता है क्रॉस, क्रॉस एंड क्रॉस में सब कुछ आ जाए, जितना उत्पादन हुआ है वो सब कुछ क्रॉस में आ जाए। सकल, सकल का मतलब सब कुछ, सकल का मतलब क्या है? जितना भी देश के अंदर उत्पादन हुआ है सबको जोड़ दो वो क्या है? सकल है। लेकिन जो उत्पादन हुआ है उसमें कुछ सामान खराब होता है नहीं होता है, सौ बल्ब बने उसमें पांच बल्ब खराब हो जाते हैं, ठीक है, एक लाख मोबाइल सेट बने हैं उसमें 5,000 मोबाइल सेट क्या हो गए? खराब हो गए, खराब होते ना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर ग्रॉस में डिप्रिसिएशन, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? ह्रास, ठीक है। सकल में अगर क्षति को हम हटा दें तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? सकल में अगर हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, मास को घटा दे जितना सामान खराब हो गया, तो हमको शुद्ध आउटपुट मिलेगा जो तैयार हुआ है शरीर में। बहुत मसला क्या बात है, क्या कुछ गिर गया क्या खजाना? आज क्लास में भी तो नहीं आए थे, सकल में हम ह्रास को घटा देंगे जो प्रोडक्ट खराब हुआ तो हमको शुद्ध मिलेगा। अब ये आ रही नहीं आ रही है, तो सेम चीज हम करते हैं, एनडीपी निकालना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक जीडी है प्रोडक्ट बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक। तो हमको
क्या मिल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये समझ में आ रहा है, ध्यान आए पूछो। यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट हो तो आप लोग बेहिचक पूछिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही क्लियर कर दो, ये सोचोगे कि हम जाए एक बार पूछेंगे तब आप लोग नहीं पूछ पाओगे, ठीक है। और यहाँ ये सब तो कोई तेज है कोई कमजोर है, सब लोग इक्वल हो, ठीक। और पूछने में टीचर से कभी सब पूछ रखा कि नहीं चाहिए, यहाँ पे टीचर तो सबको चाह रहा ना कि हम लोग क्या चाहते हैं, सारे लोग हमारे बच्चे से रेट। पीछे वाला भी बच्चा सेलेक्ट हो, आगे वाला भी सेलेक्ट हो, हम लोग तो भेदभाव करते थे, ठीक है। इसलिए भी भेदभाव ना किया करो, कुछ नहीं, जहां पे ना आए आपको वहां पूछो, एक बार ना आए दो बार ना आए चार बार पूछो, ठीक है। तो जहां नहीं पूछोगे वहीं आपका ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया, दूसरा क्या है, एक है एनएनपी, एनएनपी क्या है, इसमें भी जीएनपी माइनस नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे चलेगा, 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा पढ़ लो, जाना रहता है तुम लोग टाइम से, तो 10 मिनट वहां निकाल देते हो, 3:30 बजे खत्म होती है, 5:30 मिनट ले लो, 1.5 घंटे मतलब 1 घंटा पढ़ो आप, ठीक है। वहां नहीं बचते तो लोग तो थक जाए। एनएमपी क्या है, जीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन, बात समझ में आएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, ठीक पढ़ाने जा रही है, इसको ध्यान से पढ़िए। जो राष्ट्रीय आय है, चाहे जीएनपी हो, एनडीपी हो, टीडीपी हो, एनएनपी हो, इसकी गणना 2 आधार पे करते हैं, ठीक है। एक करते हैं करेंट प्राइस पे, दूसरा बेस प्राइस पे या रियल प्राइस पे, ठीक है। 2 आधार पे, किस किस पे, एक करेंट प्राइस पे, दूसरा बेस प्राइस पे। करेंट प्राइस क्या है, जीडीपी है या करेंट प्राइस, रियल प्राइस और बेस प्राइस में क्या डिफरेंस है, रियल प्राइस और मॉनिटरी प्राइस, करेंट प्राइस और रियल प्राइस में क्या डिफरेंस है, आपको बताएगा आप लोगों को
कीमत बढ़ जाए और उत्पादन कम हो जाएगा और कीमत बढ़ जाए, कीमत तो घट जाती है और क्या होता है उसके साथ। देखो बता रहा है कि कीमत बढ़ने के साथ जो रुपए की वैल्यू है वो क्या होती है, कम हो जाती है, तब जाके वो क्या है, कीमतों में सतत वृद्धि हो, ठीक है, वो क्या है, मुद्रास्फीति, सतत वृद्धि हो, मार्केट में अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर प्राइस घट बढ़ रही है तब वो उतना ज्यादा इंपैक्ट है, प्राइस कम हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन में क्या है, जनरल प्राइस लेवल को देखते हैं, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल को हम लोग पढ़ाएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, उसमें मेथोडोलॉजी क्या है, ये बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो इन्फ्लेशन है इसमें करेंट प्राइस में क्या होता है, इंक्लूड होता है, इसलिए जब प्राइस में इंक्लूड होगा, मान लीजिए इस 2022 है, ठीक है, और कोई वस्तु है ए बी सी, ठीक है, इसकी क्वांटिटी मान लीजिए ये 100 क्वांटिटी, इसका प्रोडक्शन हुआ है, इसका भी इसका 120 हुआ है और इसका 150 हुआ, इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक नहीं रहा, मान लीजिए 2002 की बात करें, 2020 की बात करें, ठीक है, तीन पोर्शन ए बी सी, इसका प्रोडक्शन कितना है, 100 यूनिट है, इसका 120, इसका 150, ठीक है, ये क्वांटिटी है। अगर प्राइस इसका देख, ठीक है, प्राइस इसका मान लीजिए 10 रुपए रहा, इसका 12 रुपए रहा और इसका 15, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बोले ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 1240, ये कितना हो जाएगा, 225, 250 होगा, ये किस वर्ष की बात है, 2020, 2000 दिख रहा है, यहां दिखेगा, यही सेम बुक्स है ए बी और सी, ठीक है, तो यहां पे टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, सब तीनों जोड़ो कितना होगा, टोटल इनकम। अब यहाँ सेम चीज है, ये मान लीजिए 2020 है, क्या है, एक साल इसके पहले, सेम चीज है, क्वांटिटी भी कितना पैदा हुआ, 100, 120 और 150, ठीक, प्राइस यहां पे क्या होगी, यहां पे प्राइस कम होगी, कितने, ये मान लो ये 10 है, ये इसको भी 10 मान के लिए और इसको 12, ठीक है, क्वांटिटी सेम है बट प्राइस इज लेस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल इनकम कितना होगा, 1000 हो जाएगा, ये कितना, 1220 और ये कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है,
तो यहाँ पे टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? टोटल कितना? चार हजार ये ना ठीक। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? चार हजार। आप सब कुछ चार हजार ठीक। आप देखिए 2019 का डेटा है और 2020 का डेटा है, समझ में आई इसकी बात? तीन ही वस्तु है, ए बी सी यहाँ पे भी है और ए बी सी यहाँ पे भी है। अब कितनी क्वांटिटी 2019 में प्रोड्यूस हो रही, सेम क्वांटिटी 2020 में भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस देखिए, यहाँ पे 10 रुपए है, इसकी कितनी है? ये भी 10 रुपए और ये 12 रुपए। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इसकी बढ़ गई। यहाँ ये तो प्राइस ए की प्राइस तो सेम है, बी की प्राइस यहाँ पे 10 थी, ये कितनी हो गई यहाँ बढ़ के 12 हो गई। यहाँ पे कितना था? 12, तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 हो गया। प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। इस साल भी प्रोडक्शन क्या है? सेम है। कितना यूनिट है ये? ग्रोथ कितना? 370 और यहाँ पे भी 370। रियल इनकम तुम्हारी कितनी? 370 2019 में भी है और 2020 में भी है। लास्ट ईयर है 2019 में भी कितनी है? 370 और 2020 में कितनी है? 370। लेकिन इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा है, ऐड है, तब इसकी फिगर कितना आ जाएगी? 4690, ठीक है। मौद्रिक इनकम और इसकी मौद्रिक इनकम कितनी आ जा रही है? 4000 आ जा रही। तो नेशनल इनकम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते द सेम, बट द नेशनल इनकम ड्यू टू द प्राइस इन्फ्लेशन इट इज सो द लार्जर पिक्चर, कितना? 4690 है नहीं? तो रियल इनकम और मॉनेटरी इनकम में यही डिफरेंस है, समझ में आया? आगे है तो बना दे इसको, तो काम आ जाएगा। फिर से बता देते हैं, हम देख रहे हैं रियल इनकम और मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम में क्या है? इसमें इन्फ्लेशन शामिल रहता है। प्राइस में क्या रहता है? करेंट प्राइसेस में इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है, ठीक है। अब जब हम मॉनेटरी इनकम के थ्रू नेशनल इनकम को मेजर करेंगे तो ये फिगर क्या है? ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हर प्राइस की, हर वस्तु की प्राइस इसमें ज्यादा है। ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड है। बट रियल इनकम में हम देख रहे हैं 2019 और 2020 का डेटा हम ले रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ तीन गुड्स ले रहे हैं, ए बी और सी, या तीन इंडस्ट्री ले लो, ए बी सी, ठीक है। तीन इंडस्ट्री ले लिए तो अब जो क्वांटिटी है, ठीक है, ए गुड्स कितना पैदा हो रहा है 2019 में? 100 यूनिट्स। बी गुड्स कितना हो रहा है? 120 यूनिट। और सी गुड्स कितना? 150 यूनिट, ठीक है। इसका प्राइस क्या है? 10 रुपया और 12 रुपया। 2020 में सेम चीज, प्रोडक्शन सेम है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। 100, 120 और 150, जितना ये था सेम यहाँ भी है, पर यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड हो गया, प्राइसेस क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये 10 रुपया हो गया, 12 रुपया, ये 15 रुपया, प्राइसेस क्या है? बढ़ गए। जब प्राइसेस बढ़ गए तो प्राइसेस बढ़ रहा तो ये क्या सो सकता है? करेंट प्राइस में इन्फ्लेशन इंक्लूड है और ये नेशनल इनकम की बड़ी पिक्चर दिखा रहा है। नेशनल इनकम की क्या दिखाएगा? बड़ी पिक्चर दिखाएगा, जबकि राष्ट्रीय कुछ रियल में कुछ नहीं बढ़ी है। बढ़ी है रियल, रियल में बढ़ी है, वास्तविक तौर पे कुछ बढ़ी है? 370 यहाँ भी यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, 370 यहाँ पे भी हो रहा है ना,
टर्म में तो नहीं बढ़ा, लेकिन मॉनेटरी टर्म में क्या है, नेशनल इनकम आई हो गया 2019 से 2020 में बढ़ गई है। बढ़ी नहीं बढ़ी इन्फ्लेशन इंक्लूड है करेंट प्राइसेस, इसलिए वो पिक्चर बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, रियल प्राइसेस में हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, बेस ईयर पे उसको हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, बेस ईयर कौन सा ईयर हो सकता है, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर, बेस ईयर क्या होता है, ना तो बहुत ज्यादा हो रहा हो उस पर, ना तो बहुत कम हो रहा, इन्फ्लेशन अधिक ना हो और बताइए एक दो पॉइंट, इन्फ्लेशन अधिक ना हो उस वर्ष, प्राकृतिक आपदा ना कोई आई हो, भूकंप ना आया हो, बाढ़ ना आई हो, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं ना आई हो, सामान्य वर्ष हुआ, राजनैतिक उथल पुथल ना हुई हो। राजनैतिक उथल पुथल से क्या मतलब है, कि एक है एक साल में सरकार दो बार चेंज हुई हो। ठीक है, तो जब सरकार चेंज होगी तो उसकी पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और सरकार अपने जो टारगेट है, जो अपना जनता से वादा किया, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज में हेरफेर करेंगे। ठीक है, तो आधार वर्ष ऐसा वर्ष होना चाहिए, ना तो उस वर्ष बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ हो, ना तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हुआ हो, ना तो बहुत ज्यादा हुआ हो, एवरेज होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा ना कोई आई हो, ना ही कोई राजनीतिक उथल पुथल करते में हुई हो, जब देखते हैं सारी चीजें ठीक हैं तो उस वर्ष को हम आधार वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला आधार वर्ष का माना गया 1949-50 को जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन करने के लिए आधार वर्ष हम लोग क्या माने थे, 1950-50। ठीक है, ठीक है, यही पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कल हम लोग